the live lecture, and today we are going to study class 9 science first chapter. Let me quickly set up the screen for you. Just give me a moment. Yes. Alright, I believe you are able to see the screen, and I've got the notes in front of you. I prepared the notes, which you can see on the screen. Alright, so let us quickly begin without wasting any time. Let me just quickly tell you, first of all, that we have a target to complete the whole course, the whole syllabus, in just about a couple of months, or maybe even less than that. So अगर दो महीने या उससे कम समय में हमें कोर्स करना है तो थोड़ा सा स्पीडीली चीज़ें समझनी पड़ेंगी और अटेंटिव होकर के आपको सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे. आई वुड रिकमेंड दैट यू यूज़ अ हेडफोन और अ ईयरफोन सो दैट यू विल बी सेव्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन. ऑल्सो यू कैन you should, you must keep a notebook and a pen right in front of you, right? So अभी आपके साथ में एक notebook pen रखेंगे और जो भी चीज़ कोई जो चीज़ आप समझ रहे हैं वो आपको बताई जा रही है, उसमें आपको कोई doubt हो, कोई query है तो उसको आप लिख करके रख लीजिए, and then you can ask me later, right? तो आप फिर बाद में जैसे ही session complete होता है, I'll give you 5 minutes, so आप अपनी queries, अपने questions उस वक्त clear कर सकते हैं. Alright, so let us begin quickly without wasting any more minute. So the first chapter is matter in our surrounding. ठीक है, तो हमारे आसपास चारों तरफ matter है और वो क्या है, उसकी properties क्या हैं, उनकी states क्या हैं, वो चीज़ें हम समझेंगे. लेकिन सबसे पहले जानना ज़रूरी है what is matter. Alright. ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये नहीं बोला व्हाट इज द मैटर. ऑलराइट, जैसे कि आपको कोई दोस्त है और वो परेशान है और वो आपसे आप उससे पूछते हो कि अरे फ्रेंड व्हाट इज द मैटर, राइट? सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट मैटर, राइट? दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैटर, जो सब्सटेंस है, व्हाट इज मैटर. ठीक है, तो मैटर क्या चीज़ होती है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो कि कुछ स्पेस ले रहा है और उसमें वजन भी है, उसमें मास भी है. ठीक है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस दैट इफ़ यू आर यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन एंड इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सो आप उसको उठा करके देखेंगे तो इट हैज़ सम मास, राइट? अभी या कोई आपका पेन पेंसिल जब आप उसको उठा करके देखेंगे सो यू विल सी दैट इट हैज़ सम मास. ठीक है, ऑल्सो जब आप उसको रख रहे हैं कहीं पर भी, जिस जगह पे भी आप उसको प्लेस कर रहे हैं, तो उसने उस जगह पर कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, कुछ स्पेस कवर किया है, राइट? सो दैट मीन्स इट इज मैटर, राइट? सो इसका मतलब तो सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं हमारे चारों तरफ, वो क्योंकि कुछ ना कुछ मास रखती हैं और कुछ ना कुछ स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, उनका कुछ वॉल्यूम होता है. सो इसका मतलब क्या सारी चीज़ें मैटर हैं? So yes, absolutely true. Everything around us is a matter. In fact, we ourselves are a matter, right? तो अभी बात कर रहे हैं matter क्या होता है. So everything that occupies space and has mass is matter. ठीक है, चलो बात करते हैं कोई ऐसी चीज़, common चीज़ जो कि हमारे चारों तरफ है पर हमें confirm नहीं है कि वो matter है या नहीं है. तो जैसे कि air. राइट, सो इज द एयर मैटर. ठीक है, जो हमारे चारों तरफ जो एयर है, इज इट मैटर? ठीक है, तो उसके लिए आपको एक एक्टिविटी बता रहा हूँ मैं, वो आप चाहें तो आप घर पर भी ट्राई कर सकते हैं. जस्ट हैव टू टेक टू बलून्स, राइट? टेक टू बलून्स एंड टाइट ऑन अ स्टिक, राइट? एक स्टिक लेंगे और एक स्टिक पे दो इक्वल मास के बलून्स लेंगे, एक को इस एंड पे स्टिक के पेस्ट करेंगे और दूसरे को दूसरे एंड पे. ठीक है, जब आप स्टिक को
सेंटर से होल्ड करेंगे, सो इट विल बी बैलेंस्ड, ठीक है, क्योंकि दोनों का मास बराबर है, तो स्टिक जो है वो कहीं पर भी झूलेगी नहीं, राइट, सो वो स्ट्रेट रहेगी। अब आपको क्या करना है, उसमें से एक बलून में थोड़ी सी हवा भर दीजिए, थोड़ी सी एयर उसमें, उसको इन्फ्लेट कर दीजिए, थोड़ी सी उसमें हवा भर दीजिए। जब आप देखेंगे कि वो बलून जो फूल गया है, उसमें हवा भर चुकी है, जो जब आप उसको स्टिक के ऊपर सेंटर में होल्ड कर रहे हैं, सो यू विल सी दैट द बलून, द इन्फ्लेटेड बलून, जो बलून जिसमें हवा है, वो स्टिक वहाँ से नीचे जा रही है, राइट, सो दिस मीन्स दैट उसमें एयर आने से मास आ गया है, सो इसका मतलब एयर भी जो है वो मैटर है, ठीक है। तो ये तो हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, ठीक है, और अब देखते हैं कि क्या क्या और एलिमेंट्स हैं। अच्छा, मैटर जो है वो बेसिक फाइव एलिमेंट्स जो है, जिनको पंच तत्व कहा जाता है, इनसे मिलकर के बने हैं, ठीक है, जैसे कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ठीक है। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जितनी भी चीजें हैं हमारे चारों तरफ मौजूद है, वो मैटर है। अब बात कर रहे हैं मैटर की, क्या फिजिकल नेचर है, क्या उसका केमिकल नेचर है, ठीक है। मैटर जो है, इट कैन बी कैटेगराइज एज अ गैस, अ लिक्विड एंड अ सॉलिड, ठीक, या तो वो गैस हो सकता है, या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, या सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। वो कैसे, कि जब आप उसको देखेंगे, जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, ठीक है, तो वो आपको पता चलेगा कि वो या तो गैस है, या लिक्विड है, या सॉलिड है। अभी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कैसे चेक करते हैं वो अभी देखते हैं, ठीक है। और यस, तो अब अपन आ गए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ऑब्वियसली मैटर जो है वो कोई ना कोई पार्टिकल से बना हुआ है। अब वो पार्टिकल से बना हुआ है, उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है। इसके अंदर क्या करना है आपको, एक बीकर में और थोड़ा सा पानी मिलाना है, ठीक है, और उसका बीकर का जो लेवल है उसको आपको मेजर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा उसको उसके अंदर आप सॉल्ट डालेंगे या कुछ डालेंगे जो कि उसके अंदर डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। उसके बाद उसको आप अच्छे से हिलाइए और फिर आप देखेंगे कि जो उसके मैटर के जो वो है, सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं वो डिसअपियर हो गए हैं, और लेवल ऑफ वाटर जो है वो सेम रहता है, वो लेवल ऑफ वाटर जो है वो नहीं बढ़ रहा है, और सॉल्ट जो है वो उसके अंदर से डिसअपियर हो गया है, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो गया है। इससे मतलब पता चल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में काफ़ी स्पेस होती है, और वही जो स्पेस होती है उसे हम वॉइड कहते हैं, और उस वॉइड में सॉल्ट पार्टिकल्स जो हैं वो फिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए वाटर का जो लेवल है वो बढ़ता नहीं है, और उसी के अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है। इससे पता चलता है कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। अब वो कितना स्पेस होता है उसके हिसाब से उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो डिसाइड होती है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कितना स्पेस है वही उसकी फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है, ठीक है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी अगरबत्ती को, ठीक है, इंसेंस स्टिक को अभी उसको जला करके और उसको एक कहीं कॉर्नर में भी रख देते हैं, ठीक है, तो उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे कमरे में आ जाती है, ठीक है। इससे मतलब पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर में जो पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वो मूवमेंट करते हैं, क्योंकि भाई आपने चलाई थी, मे बी आपने रोज़ फ्रेग्रेंस की और इंसेंस स्टिक चलाई है, अगरबत्ती चालू की है, और वो कहीं किसी कोने में रखी है, पर फिर भी आप देखेंगे कि कुछ ही मिनट में और वो पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो जाती है स्मेल, पूरे रूम के अंदर वो फ्रेग्रेंस, खुशबू जो है अगरबत्ती की, वो आने लगती है।
इसका मतलब कि वही अगरबत्ती जब चालू जल चुकी है तो उसके जो पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं एयर में और वो धीरे 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 पूरे रूम में फैल रहे हैं, इससे पता चलता है कि उनके अंदर मूवमेंट होता है। और किसी भी पार्टिकल में, किसी भी मैटर में जब मूवमेंट होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर मूविंग कंटिन्यूअसली, जो कि मूव करते रहते हैं, एंड दिस मीन्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर पजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सो आपको पता है काइन मीन्स मूवमेंट, ठीक है। तो किसी भी पार्टिकल की वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि मूवमेंट से उसके अंदर आ रही है, उसका जो मूव कर रहा है वो, जब वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जा रहा है तब उसका जो मूवमेंट डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से जो उसकी एनर्जी डेवलप हो रही है, सो दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, ठीक है। ये एक डिफ्यूजन भी एक फिनोमेना है। डिफ्यूजन क्या है? देखिए, डिफ्यूजन इज अ नेचुरल फिनोमेनन एंड नेवर स्टॉप्स, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है। डिफ्यूज होनी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। इन अ डेली लाइफ वी मेक यूज ऑफ डिफ्यूजन इन मैनी प्लेसेस, ठीक है। रोज़ हमारी लाइफ के अंदर हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं आसपास हमारे, और वो किसी ना किसी फॉर्म में डिफ्यूज हो रही है। जैसे कि वी ऐड शुगर इन वाटर टू मेक टी और जूसेस, ठीक है। हम पानी के अंदर और शक्कर चीनी मिलाते हैं ताकि कुछ भी चाय या जूस या ड्रिंक कोई सी जब तैयार करते हैं। हेयर शुगर मॉलिक्यूल डिफ्यूजेज इनटू वाटर थ्रू डिफ्यूजन। अब उसी के अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल है वो पानी के अंदर घुल रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, और उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। A plant produces oxygen. This oxygen diffuses into the air, and we get oxygen for breathing. ठीक है। और जैसे आपने सुना होगा, जब पढ़ा भी होगा, I believe in earlier classes, कि plant जो है वो oxygen produce करते हैं। That process is known as photosynthesis. और वो जो oxygen है वो air के अंदर घुल जाती है, वो air के अंदर mix up हो जाती है, उसी उसको भी diffusion कहते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन, अच्छा रेट ऑफ डिफ्यूजन कितनी तेजी से चीज़ें घुल रही हैं वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। थोड़ा जितना ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उस पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी, और वो पार्टिकल तेजी से मूव करेगा, तो तेजी से मूव करेगा तो ऑब्वियसली वो डिफ्यूज जल्दी होगा। नेक्स्ट इज, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे ही किचन के अंदर और स्वादिष्ट खाना बन रहा है तो उसकी जो खुशबू है वो आपको आने लगती है। अभी खाना जो है वो वहीं किचन में ही है और फिर भी आपको, और दूसरे रूम में वहाँ बैठे होते हो, पढ़ाई कर रहे होते हो, और वहाँ पर आपको खुशबू आने लगती है, तो ये भी क्या हो रहा है, जो उसकी खाने की जो खुशबू है वो डिफ्यूज़ हो रही है एयर के अंदर और वो आप तक पहुँच रही है। वो एयर मॉलिक्यूल्स जब मूवमेंट कर रहे हैं, पार्टिकल जब मूव कर रहे हैं तो वो आप तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। और जब भी परफ्यूम किसी भी रूम में, परफ्यूम या डिओड्रेंट आप यूज़ करते हैं, तो आप देखते हैं कि उस रूम में पूरे में और उसके स्मेल, उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो आने लगती है। ऑल्सो द लीकेज ऑफ कुकिंग गैस LPG इन आर होम्स इज डिटेक्टेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द कुकिंग गैस इनटू एयर, ठीक है। तो जो LPG है, आपने उसकी जैसे ही वो अगर लीक करने लगती है कहीं से, तो आपको पता चल जाता है, और दूर तक भी पता चल जाता है, दूसरे रूम में बैठे होते हैं तो भी पता चल जाता है कि कहीं से गैस लीक कर रही है। तो उसके अंदर एक ऐसा ही सब्सटेंस जो है वो ऐड किया जाता है ताकि अगर वो लीक हो रही हो एयर में तो पता चल जाए और कोई एक्सीडेंट होने से बचाया जा सके, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट मतलब कि एक दूसरे को एक अपनी तरफ खींचते हैं। सो देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर, और इसी वजह से वो बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से वो पास आते हैं। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसे हम कहते हैं कोहिजन,
ठीक है. कोहिजन क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस. ठीक है, ध्यान रखिए, सेम सब्सटेंस है तो कोहिजन है. जब एक एटम सेम दूसरे एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सो देन दिस विल बी, दिस फोर्स विल बी नोन एज कोहिजन. ठीक है, और ये फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा कि क्या मैटर है, कौन सा सब्सटेंस है, वो उस पर डिपेंड करेगा. कोहिजन फोर्स जो है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा मैटर है. इन जनरल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर एंड मिनिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मैटर. अब ठीक है, अच्छा अब आपको ये भी पता होगा कि जो फोर्सेस जो है वो ऐसे अट्रैक्शन फोर्सेज जो है वो अभी आगे जाकर के भी पढ़ लेंगे आप. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब पार्टिकल्स पास पास है, ठीक है, तो वो फोर्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, और पार्टिकल जब दूर है तो वो फोर्स जो है वो डिमिनिश हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो इसीलिए जब सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं तो उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, लेकिन गैसेस के अंदर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो इसीलिए उनके अंदर कोहिजन फोर्स जो है वो कम होता है. ठीक है, अब ये एक एक्टिविटी दे रखी है जिसके अंदर आपको कैरियर ऑफ डेमोन्स्ट्रेट अट्रैक्टिव फोर्स देखने के लिए, चेक करने के लिए, तो क्या करेंगे, एक तो आयरन वायर लेंगे, ठीक है, जो कि सॉलिड है. ठीक है, एक पीस ऑफ चॉक लेंगे एंड एक रबर बैंड लेंगे. ठीक है, और तीनों को तोड़ने की या काटने की या खींचने की, इनकी शेप चेंज करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, हैमरिंग अ पीस ऑफ द आयरन नेल डज नॉट ब्रेक द नेल बट फ्लैटन इट्स सरफेस. ठीक है, जब आप उसको कील के ऊपर, नेल के ऊपर, आयरन नेल के ऊपर जब थोड़े से मार रहे हैं तो वो क्या होगा, वो नीचे दबती जाएगी लेकिन वो टूटेगी नहीं. ठीक है, हैमरिंग चॉक ब्रेक्स द चॉक एंड गिव्स अस पाउडर चॉक. अगर आप चॉक के ऊपर अगर हथौड़े से मारेंगे तो वो टूट जाएगी और पाउडर बन जाएगी. Also, we can stretch the rubber band to a larger length without any break. और rubber band जो होता है उसके अंदर flexibility रहती है, उसके अंदर वो stretch हो जाता है, तो इसीलिए वो भी इसके shape जो है वो change हो रहा है, वो टूटता नहीं है, काफ़ी लंबा तक आप उसको खींच सकते हैं. इससे क्या पता चलता है, since energy is required to break crystals of matter into particles, it indicates that particles in the matter are held by some attractive forces. The strength of these attractive forces varies from one टू अदर. इसलिए पता चलता है कि जो मटेरियल है, जो सब्सटेंस है, उसकी क्या स्टेट है या उसका क्या मैटर है, उसके अंदर क्या सब्सटेंस है, वो मैटर करेगा, वो डिसाइड करेगा कि वो ब्रेक होगा या उसके अंदर फोर्स कितना है, या वो स्ट्रेच होगा या वो ब्रेक नहीं होगा. सो दिस विल बी डिसाइडेड फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ दैट मैटर. ठीक है, चलिए तो बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर. ये तो आपने बहुत सारी चीज़ें ये देखते हुए चले आ रहे होंगे, महसूस करते हुए चले आ रहे होंगे, ऐसी चीज़ें हैं और बचपन से ही, पर लेकिन आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझने जा रहे हैं. तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं, देखो बेसिक जो मेन जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो हैं तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, अब जरा सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं और सॉलिड क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जरा देख लेते हैं. सॉलिड पजेसेस अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप. ठीक है, अब सॉलिड के अंदर ध्यान रखने की चीज़ें, देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, ये नोट्स जो हैं, ये इसीलिए बनाए गए हैं बिकॉज दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम योर बुक. ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से जो आपके इम्पॉर्टेंट मैटर है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो कंक्लूड करके और ये नोट्स में ली गई हैं, तो ये आपको याद करना ज़रूरी है. For examination point of view, you should learn all these points. ठीक है, so a solid possesses a fixed volume. एक जो solid जो कोई structure है उसका एक fixed volume होता है, like this. Any device that you see, right? जैसे देख रहे हैं ये, this headphone, this has a fixed structure unless it is like unless we break it. ठीक है, तो इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, एक फिक्स्ड शेप है. ठीक है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ डेफिनेट मास. इसका मास भी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मींस कि इसके एक बाउंड्रीज, लिमिट्स हैं उसकी, मतलब ऐसा नहीं है कि रखा रखा और ऐसे फैल जाएगा, राइट.
तो सॉलिड जो स्ट्रक्चर है उसके शेप, उसका साइज, उसका मास जो है वो फिक्स्ड रहता है टिल द टाइम इट इज इन वन पीस. सॉलिड्स आर रिजिड एंड ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल. ठीक है, मोस्टली जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं और इनकम्प्रेसिबल. आप उनको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, लाइक इन केस ऑफ आयरन नेल. ठीक है, तो उसका क्या था, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, पर नॉर्मली अगर आप उसको ट्राई करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा उसको, और आप कंप्रेस नहीं कर सकते उसको, और छोटा नहीं कर सकते. सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप. ठीक है, सॉलिड क्या होते हैं वो क्या करेंगे, आप उसका शेप जो है चेंज करना वो मुश्किल होगा, लेकिन क्या आप उसको तोड़ सकते हैं, यस दे कैन बी ब्रोकन, उनको तोड़ा जा सकता है, लेकिन क्या आप उसका शेप चेंज कर सकते हैं, तो नहीं, उनका शेप चेंज आसानी से नहीं कर सकते. सॉलिड्स जनरली पजेस हाई डेंसिटी, यूजुअली जो है उनका जो डेंसिटी है वो हाई होता है, और रीजन बीइंग डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो उनका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा कम होता है, कम स्पेस में ज़्यादा मास होता है, इसीलिए वो हाई डेंसिटी के होते हैं. सॉलिड्स डू नॉट एग्जिबिट डिफ्यूजन, और सॉलिड जो है वो इजीली डिफ्यूज नहीं करते, आसानी से किसी दूसरे सब्सटेंस में नहीं घुलते. इन सॉलिड्स इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर मोर स्ट्रॉन्ग, और ऑब्वियसली जो कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत पास पास होता है, बहुत ज़्यादा उनका अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए सॉलिड्स के अंदर क्योंकि वो पास होते हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब कि एक मॉलिक्यूल और दूसरे अपने जैसे मॉलिक्यूल को जो अट्रैक्ट करेगा, सो वो बहुत स्ट्रांग होता है. और ये एग्जाम्पल है सॉलिड, आपके आसपास चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि सॉलिड हैं एज मैटर. ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स और हैं आपके लिए, आप ये जब फाइल शेयर की जाएगी तो प्लीज़ ये एग्जाम्पल्स वगैरह ये चीज़ें एक्टिविटीज़ ये इनको पढ़ें. ठीक है, एंड देन इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू सोल्यूशन फॉर योर क्वेरी. ओके, सॉलिड्स जनरली डू नॉट एग्जिबिट डिफ्यूजन, और उसके क्या कारण है, ड्यू टू स्मॉलर इंटर पार्टिकल स्पेसेस एंड एब्सेंस ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है, अब क्यों होता है डिफ्यूजन जो है वो आसानी से जो है वो दूसरे सब्सटेंस के दूसरे मैटर में क्यों नहीं डिसॉल्व हो रहे हैं, क्या वो क्यों डिफ्यूज नहीं हो रहे हैं. ठीक है, जैसे कि जो इंसेंस स्टिक की बात की थी, इंसेंस स्टिक अगरबत्ती का जो धुआं है वो तुरंत वो खुशबू जो है वो फैल जाती है चारों तरफ, और वो क्यों ऐसा है कि मे बी सॉलिड पार्टिकल्स जो भी हैं उसके जो है वो नहीं हो रहे हैं, वाई, सो दैट इज़ बिकॉज दे हैव स्मॉलर इंटर पार्टिकल स्पेस. ठीक है, जो एक पार्टिकल जो दूसरा पार्टिकल है उसके बहुत ज़्यादा पास पास है, इसलिए उसमें क्या है गैप नहीं होता है, इसलिए वो आसानी से दूसरे के अंदर नहीं घुलता है, आसानी से एयर के अंदर डिफ्यूज नहीं होते हैं. ठीक है, अच्छा ये देखिए सम एग्जांपल्स इन विच सॉलिड शुड डिफ्यूजन, जहां आप बात कर रहे हैं कि सॉलिड में भी डिफ्यूजन जो है वो पॉसिबल है, वो कैसे देखिए, इफ़ यू राइट समथिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड, कोई बोर्ड के ऊपर आप लिख करके 10-15 दिन के लिए छोड़ दीजिए. ठीक है, उस बोर्ड के ऊपर कुछ भी मार्क करके और ब्लैक बोर्ड के ऊपर चॉक से कुछ भी मार्क करके और कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, 15 दिन के लिए मान लिया अपन ने छोड़ दिया. अब उसको 15 दिन बाद जब आप उसको मिटाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आसानी से साफ नहीं होगा. आप उसको रब करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं बोर्ड के वो थोड़े थोड़े चॉक के फिर भी रह जाएंगे. This is due to the fact that some of the particles of chalk have diffused into the surface of the board. और वो इसीलिए क्योंकि जो board का जो surface है उसके अंदर छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे particles जो हैं वो diffuse हो गए हैं, उसके अंदर घुस गए हैं. ठीक है, तो अब आपको फिर दूसरे matter किसी दूसरे substance से उसको अच्छे से clean करना पड़ेगा, उनको particles को वापस board की surface से निकालना पड़ेगा. और देख लीजिए, इफ़ टू मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टुगेदर टाइटली एंड केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू ईयर्स,
देन द पार्टिकल्स ऑफ वन मेटल आर फाउंड टू हैव डिफ्यूज इनटू द अदर मेटल. ठीक है, कुछ सालों तक अगर एक मेटल ब्लॉक को किसी दूसरे मेटल ब्लॉक से चिपका करके और रख देंगे, छोड़ देंगे कुछ सालों तक, ठीक है, तो बहुत डिफ्यूजन प्रोसेस जो है सॉलिड्स में वो स्लो है, बहुत धीरे धीरे वो होगा, लेकिन वो भी पॉसिबल है. तो वो क्या देखेंगे आप कि एक मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे मेटल के अंदर और डिफ्यूज हो गए हैं. बट दिस वुड हैपन इन द पीरियड ऑफ ईयर्स, इन द टाइम ऑफ ईयर्स. स्टूडेंट्स, इफ यू कैन okay, now let's see. The properties of liquids, all right? So the matter in liquid state possesses a definite volume, a definite mass, but no definite shape. जो कि matter है वो liquid state में है, उसका definite volume होगा, उसका जो जितनी space वो occupy कर रहा है वो fix होगा. उसका मास जो है वो कितना वे कर रहा है वो फिक्स होगा, लेकिन उसका शेप जो है वो फिक्स नहीं होगा. ठीक है, आप उसको एक एक ग्लास में पानी, एक ग्लास में लेंगे तो वो ग्लास के शेप में आ जाएगा, एक मग में लेंगे तो वो मग के शेप में आ जाएगा, उसको आप ज़मीन पे फैला देंगे तो उसका शेप बिल्कुल ऐसे स्कैटर्ड हो जाएगा उसका शेप. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि उसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, हालांकि उसका मास, उसका वॉल्यूम, कितना वो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वो फिक्स होगा. लिक्विड्स आर ऑल्सो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल बट आर नॉट रिजिड. ठीक है, लिक्विड्स भी, अच्छा ऑल्सो ऑलमोस्ट का मतलब क्या है कि सॉलिड से कंपेयर किया जा रहा है और ऑलमोस्ट बोला इसलिए जा रहा है क्योंकि काफ़ी लिक्विड जो हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं. ठीक है, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा आपको कंप्रेस करने के लिए, उसके टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, हाई प्रेशर देना पड़ेगा, तब जा करके वो कंप्रेस होंगे. नॉर्मली वो कंप्रेस नहीं होते. ठीक है, बट आर नॉट रिजिड, लेकिन फिर भी वो ठोस नहीं होते. रिजिड मतलब क्या होता है, जैसे कि सॉलिड होते हैं, ठीक है, रिजिड ठोस, उनका जो है उनको पर जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएंगे, पर शेप चेंज इजीली नहीं करेंगे. इनफैक्ट दे कैन फ्लो फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर लेवल. ठीक है, और इनफैक्ट क्या होगा कि वो हायर लेवल से और लोअर लेवल पे फ्लो करने लगेंगे. लिक्विड्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी एंड अक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट. ठीक है, लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, बहने की. ठीक है, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है और वो इजीली क्या होता है, अगर आप उसको कहीं हाइट पर आप तो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, वो नीचे की तरफ फ्लो करने लगेगा ऑटोमेटिक. एंड अक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, और किसी भी जिसमें भी आप कंटेनर में उसको रख रहे हैं उसका शेप वो ले लेगा. लिक्विड्स कैन अंडरगो डिफ्यूजन. लिक्विड्स जो हैं उनके अंदर डिफ्यूजन होता है, पॉसिबल है. लिक्विड्स ऑल्सो हैव हाई डेंसिटीज बट लेस देन दैट ऑफ सॉलिड. ठीक है, लिक्विड्स की भी डेंसिटी जो है वो हाई होती है, हाई से मतलब कि गैस से हाई डेंसिटी होगी, लेकिन सॉलिड से कम होगी. ठीक, सॉलिड जो सब्सटेंसेस हैं उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत कम होगा, और मास जो है उतने ही मास का अगर कोई लिक्विड लेंगे तो उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा. तो दैट इज़ वाई लिक्विड की डेंसिटी जो है वो सॉलिड से तो कम होगी लेकिन गैस से ज़्यादा होगी. इन लिक्विड्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड. और अगर सॉलिड से कंपेयर कर रहे हैं तो लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होगा, वो कम होगा. क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स में थोड़ा डिस्टेंस है, सॉलिड में तो एकदम पास है, लिक्विड में थोड़ा दूर है और गैस में बहुत ज़्यादा दूर है. ठीक है, ये एग्जाम्पल्स कुछ लिक्विड के, जैसे वाटर, एल्कोहल, मिल्क, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, जूसेस एक्सेट्रा, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स. ठीक है, अब सॉलिड लिक्विड्स एज वेल एज गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स. ठीक है, अब सॉलिड्स
और लिक्विड्स जो है वो लिक्विड्स के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस इन लिक्विड्स आर लार्जर एंड द पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट मूव फ्रीली. और वो इसीलिए क्योंकि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में गैप होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इस मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में स्पेस होता है, और उस स्पेस की वजह से उस वॉइड में, उस गैप में कोई दूसरा पार्टिकल डिफ्यूज हो सकता है. और डिफ्यूजन जो है वो क्यों, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इतना नहीं है जितना सॉलिड में होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसीलिए क्या होता है उनकी मूवमेंट भी जो है वो फ्रीली हो जाती है. अब बात करते हैं गैसियस स्टेट की. तो गैसियस स्टेट के अंदर अब प्रॉपर्टीज देखते हैं गैसियस की. द मैटर इन गैसियस स्टेट हैज नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप, बट इट हैज अ डेफिनेट मास. इट अक्वायर्स द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. ठीक है, द मैटर इन गैसियस स्टेट हैज, ठीक है, जो गैसियस स्टेट का जो मैटर है उसके अंदर कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, लेकिन उसका डेफिनेट मास होता है. इट एक्वायर्स द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. और उसका जो कंटेनर का जो शेप है, कंटेनर का जो वॉल्यूम है, वो उसे ही ऑक्यूपाई कर लेगा. गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. ठीक है, गैसेस को आप कंप्रेस कर सकते हैं उसको इजीली, मतलब गैसेस जो हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं. कंप्रेस मतलब क्योंकि उनके बहुत स्पेस होता है, काफ़ी गैप होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए हम उनको कंप्रेस करके पास में लाने की कोशिश करेंगे, तो वो स्कोप है. ठीक है, अब देखते हैं. टू डेमोंस्ट्रेट एयर इज कंप्रेसिबल व्हाइल वाटर एंड सॉलिड आर नॉट. ठीक है, अब ये चेक करना है कि एयर जो है वो कंप्रेसिबल है, जबकि वाटर और सॉलिड जो है वो इजीली कंप्रेसिबल नहीं है. तो उसके लिए एक्टिविटी है, ये देखते हैं. ठीक है, ये एक सिरिंज है आपके सामने देख रहे हैं आप. इसमें अब इनको क्या करना है, आपको सिरिंज को तीन सिरिंज लेंगे और सब तीनों में एक के अंदर आप वाटर, एक के अंदर आप चॉक और एंड एक के अंदर आप एयर डालने की कोशिश करेंगे. ठीक है, आप उसको जब आप दबाएंगे, उसको कंप्रेस करेंगे, ठीक है, सिरिंज के एंड को, तो आप देखेंगे कि इजीली मूवमेंट जो होगा वो गैस वाले केस में हो जाएगा इसका मतलब. ठीक है, और आपने ये क्या किया है, इसको एक ऊपर से रबर कॉर्क लगा दिया है. ठीक है, उसको आपने ऊपर से बंद कर दिया गया है ताकि वो जो पार्टिकल है वो बाहर नहीं निकले सिरिंज से. तो आप किस केस में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है कंप्रेशन हो पाएगा, वो सबसे ज़्यादा आप उसको पिस्टन को दबा पाएंगे, वो गैस के केस में होगा. सॉलिड के केस में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्टिकल जितने पास ऑलरेडी होंगे कि वो एक दूसरे को फोर्स ऑलरेडी लगा रखे होगा और उस एक दूसरे को प्रेशर दे रहे होंगे, लेकिन वो कंप्रेस नहीं होंगे, वो और छोटे नहीं होंगे. लेकिन गैस के केस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसलिए जब आप उनको पिस्टन से प्रेशर देंगे तो वो पार्टिकल धीरे धीरे पास आने लगेंगे. ठीक है, विद सम फोर्स वी आर एबल टू कंप्रेस द सिरिंज फील्ड विद एयर. यही बात आपसे बताई जा रही है. इससे यही पता चलता है कि गैसेस आर कंप्रेसिबल व्हाइल लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर नॉट. ठीक है, अब अपन ये थोड़ा देख लेते हैं बेसिस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के. जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम और समझ लेते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस की स्टेट. ठीक है, तो ये आपके सामने ये देखिए तीन इमेजेस हैं. इमेज ए जिसके अंदर आपको प्लेट के अंदर एक सॉलिड सब्सटेंस रखा है और उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसका मॉलिक्यूल्स जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक डॉट्स हैं दीज आर दी मॉलिक्यूल्स. तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये काफ़ी पास है, काफ़ी पास है, इसका मतलब ये इनके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो कि अभी बात कर रहे थे कोहिजन जो है, कोहिजन फोर्स, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसीलिए ये
सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, दूसरे इमेज में देखते हैं, इमेज बी के अंदर तो आप देख रहे हैं इट्स अ लिक्विड, और इस लिक्विड के जब अगर हम पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करेंगे कि अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उनको देखें तो उनके अंदर काफ़ी स्पेस दिख रहा है, सॉलिड से ज़्यादा स्पेस आपको दिख रहा है, गैप दिख रहा है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स के अंदर मूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि स्पेस है उसके पास, जगह है मूव करने के लिए, जबकि इमेज ए के अंदर उसके पास में स्पेस नहीं है, राइट। सो इमेज बी में आप देख रहे हैं कि पार्टिकल्स के पास में स्पेस है मूवमेंट करने के लिए, इसलिए इसके अंदर डिफ्यूजन भी हो सकता है। ऑल्सो वो लिक्विड स्टेट में है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पेस है, जो उसका जो पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा टाइटली होल्ड नहीं कर रहे हैं। और तीसरी इमेज में, थर्ड इमेज में आप देख रहे हैं कि एक बलून के अंदर और कोई गैस या एयर फिल की हुई है। अब वो जो गैस जो फिल की हुई है उसके पार्टिकल्स जो हैं जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में काफ़ी गैप है, काफ़ी डिस्टेंस है। ठीक है, आप अब देख सकते हैं इसमें इमेज में जो दिखाया हुआ है कि जो एक मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल से काफ़ी डिस्टेंस पे है, इसीलिए उसके पास में काफ़ी स्पेस होता है कि वो मूव कर सके, वो अपनी डिस्टेंस जो है उसके जो काफ़ी होती है उनके बीच में, तो इसलिए उनके जो गैप होता है काफ़ी होता है, इसलिए ईजिली डिफ्यूजन हो जाता है उसके अंदर, ईजिली चीज़ें डिफ्यूज़ हो सकती है, और उसकी जो स्टेट होगी वो गैस होगी क्योंकि जो स्पेस है उनके बीच में काफ़ी है, डिस्टेंस जो है वो मॉलिक्यूल के बीच में काफ़ी है। ठीक है, अब जल्दी से ये देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं उनको कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस जो अभी तक जो भी पढ़ा है इसको क्विकली हम समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं तीनों की। तो सॉलिड्स जो होते हैं उनका होता है फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का क्या होगा फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, और गैसेस का क्या होगा नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो। स्टूडेंट्स, ओके, लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, सो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड गैसेस हम देख रहे हैं। सो इन सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिस पार्टिकल से वो बना हुआ है, कोई भी सॉलिड जो है मैटर है वो जिस भी पार्टिकल से बना हुआ है, वो पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक्ड है, मतलब उनके बीच में स्पेस नहीं है, बिल्कुल वो टाइटली एक दूसरे से एकदम पैक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड। ठीक है, लिक्विड के अंदर वही जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन गैसेज आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो गैस में होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं, डिस्टेंस पे होते हैं। थर्ड पॉइंट, इन सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत, किस केस में, सॉलिड के केस में। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इन लिक्विड्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज लेस स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लिक्विड्स के केस में वो थोड़ा कम होता है क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो थोड़ी इन एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। एंड इन गैसेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल ना के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर हैं। ठीक है, ये पार्टिकल अपना अलग है, ये पार्टिकल अपना अलग है, इनका दोनों का अट्रैक्शन जो बहुत वीक होता है। हैव हाई डेंसिटी एंड इन सॉलिड्स पार्टिकल्स और मैटर सब्सटेंस हैज हाई डेंसिटी, वो आपको मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि जो मास वॉल्यूम जो है वो कम होता है, अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी हाई होगी। एंड कैन नॉट बी डिफ्यूज एंड कैन नॉट बी डिफ्यूज, वाई? बिकॉज जो स्पेसेज हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए वो ईजिली डिफ्यूज नहीं करता।
इन लिक्विड्स डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड्स एंड कैन डिफ्यूज. लिक्विड्स के केस में क्या होता है, डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड से थोड़ी सी कम होती है. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा उसका स्पेस जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस वो थोड़ा सा स्पेस बढ़ने से डिफ्यूज हो पाता है, ठीक है, उसके अंदर कोई दूसरा सब्सटेंस या दूसरा पार्टिकल जो है वो. एंड इन गैसेस सबसे कम डेंसिटी होती है गैसेस के केस में, और वो आसानी से डिफ्यूज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल. सॉलिड्स जो है उन्हें आप कंप्रेस नहीं कर सकते. वो आपको एक एक्टिविटी बताई थी सिरिंज वाली, उसके अंदर आपने देखा कि सॉलिड जो है उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते आसानी से, तो बिल्कुल नहीं कर सकते. लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब लिक्विड्स पे थोड़ा सा आप प्रेशर और बढ़ाएंगे तो वो कंप्रेस फिर भी हो सकते हैं, नॉट एज ईजी एज इन द केस ऑफ गैसेस. जैसे कि जितना ईजी जितना आसानी से गैसेस जो हो रही हैं कंप्रेस वैसे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप प्रेशर आप उसका बढ़ाएंगे तो वो कंप्रेस हो पाएंगे. और लिक्विड एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. गैसेस जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से कंप्रेस किए जा सकते हैं. जैसे कि आपको मैंने अभी एग्जांपल में बताया था कि उसको अपने ऊपर से जो उसका आउटपुट है सिरिंज का, उसको हमने रबर कॉक से और पैक कर दिया है उसके अंदर से. अब वो कहीं से भी गैस जो है उसकी लीक नहीं हो सकती. और उसको जब हमने पिस्टन को दबा करके और कंप्रेस करने की कोशिश करी तो आप देखेंगे कि वो दब जाएगा, क्योंकि अंदर जो मौजूद उसकी गैस है या जो एयर है वो कंप्रेस हो पा रही है. ऑलराइट, नेक्स्ट, डू नॉट फ्लो. ठीक है, सॉलिड्स जो हैं उनके अंदर फ्लूइडिटी नहीं होती है, वो फ्लो नहीं करते हैं. लिक्विड्स जो हैं वो उनमें फ्लूइडिटी होती है. फ्लूइडिटी गैसेस फ्लो फ्रीली, गैसेस में सबसे ज्यादा इजीली फ्लो कर पाते हैं. हीट एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, सॉलिड्स के अंदर जब आप टेम्परेचर राइज करेंगे, टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे तो उसके अंदर बहुत कम और एक्सपेंशन होगा. ठीक है, मतलब इजीली वो एक्सपैंड नहीं करेंगे सॉलिड्स टेम्परेचर राइज पे. लिक्विड शो स्लाइट मोर देन सॉलिड्स. लिक्विड्स के केस में क्या होगा कि भाई एक्सपेंशन थोड़ा ज़्यादा होगा. एक्सपेंशन इन द सेंस कि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप बढ़ जाएगा, और उनका बढ़ जाएगा कब, जब उसका टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे. ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही होगा, आपने एग्जाम्पल्स वगैरह ये सुने होंगे, मेटलिक वायर्स वगैरह जो हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं उनके अंदर, तो वो थोड़ा सा लैग आ जाता है क्योंकि सर्दी का थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा लैग आ जाता है, थोड़ा सा वो झूल जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंड हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है वो होता है गैस के केस में. ठीक है, तो गैस के केस में जैसे ही हीट देते हैं और वो काफ़ी ईजीली, क्योंकि पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर पाते हैं इसलिए वो ईजीली उनके अंदर गैप क्रिएट हो जाता है और वो एक्सपैंड कर पाते हैं. ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं इनके कन्वर्जन की, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन की. ऑलराइट, सो ये देख रहे हैं आप सामने थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. ऑन द लेफ्ट वी हैव लिक्विड, ऑन द टॉप वी हैव गैस, एंड ऑन द राइट साइड वी हैव सॉलिड. नाउ these arrows also give you or guide you this change of state, like as in from change of the change of state from liquid to gas is evaporation, and from gas to liquid is condensation. Theek hai, I believe this is pretty much clear, this image. Next, from liquid to solid, right, from left to right, if you'll see this arrow. So from liquid to solid, it is freezing. From solid to liquid,
It is melting. On the right side, you see from solid to gas, it is sublimation, and from gas to solid, it is deposition. So these are some the processes. State of a matter is changing. Can you see me back? Okay. All right. Now, for example, iron has a body-centered cubic structure at temperatures below 912 degrees centigrade and a face-centered cubic structure between 912 and 1394 degrees centigrade. Okay, अब iron का जो cube है, एक iron का जो structure है, वो बताया गया है जिसके अंदर 912 degrees centigrade से नीचे उसका body-centered cubic structure है, लेकिन 912 से 1394 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है. ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर तो है लेकिन एक बॉडी सेंटर्ड है और एक फेस स्ट्रक्चर्ड है, फेस सेंटर्ड है. आइस हैज 15 नोन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, ईच ऑफ व्हिच एग्जिस्ट एट अ डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है, आइस जो है उसके 15 नोन है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स. किस उसके जो स्ट्रक्चर है वो 15 नोन है. अभी तक हम पता लगा चुके हैं कि उसके 15 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, ईच ऑफ विच एग्जिस्ट एट अ डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और वो अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग प्रेशर पे चेंज हो जाता है इसका स्ट्रक्चर. अ सॉलिड कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिक्विड थ्रू मेल्टिंग. जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा था कि जो ट्रांजिशन था एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो देन इट इज मेल्टिंग. एंड अ लिक्विड कैन ट्रांसफॉर्म इन टू अ सॉलिड थ्रू फ्रीजिंग. ठीक है, और जो वही लिक्विड जो है वो जब वापस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग. अ सॉलिड कैन ऑल्सो चेंज डायरेक्टली इन टू गैस थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन. और अगर सॉलिड डायरेक्ट बिना लिक्विड के कन्वर्ट हुए, अगर डायरेक्ट सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो देन इट इज सब्लिमेशन. सिमिलरली जल्दी से लिक्विड्स का देख लेते हैं. द लिक्विड इज अ फ्लूइड दैट कन्फर्म्स टू द शेप टू इट्स कंटेनर बट दैट रिटेन्स अ नियरली कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. ठीक है, अब लिक्विड क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर जो भी जिस भी कंटेनर में आप उसको डालोगे उसका जो शेप है वही लिक्विड का शेप कन्वर्ट हो जाएगा. द वॉल्यूम इज डेफिनेट. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक गिलास पानी को और मान लीजिए एक बाल्टी में और डाला है तो वो वॉल्यूम उसका बढ़ गया है, वो बाल्टी जो है वो फुल भर जाएगी. नहीं, ऐसा नहीं होगा, उसको वॉल्यूम उतना ही रहेगा लेकिन उसका शेप जो है वो ग्लास से और बाल्टी का जो बेस है उसके शेप में आ जाएगा. इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉन्स्टेंट, और ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर और प्रेशर जो है अगर कॉन्स्टेंट है तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा या प्रेशर अगर बढ़ा देंगे तो वो कंप्रेस हो जाएगा. When a solid is heated above its melting point, it becomes liquid because the pressure is higher than the triple point of the substance. ठीक है, जब भी आप किसी सॉलिड को हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग. ठीक है, आपको पता है जैसे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 degree centigrade. ठीक है, तो वो जीरो पे क्या होने लगता है, आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, वाटर जो है वो बनने लगता है. ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज आर स्टिल इंपॉर्टेंट बट द मॉलिक्यूल्स हैव इनफ एनर्जी टू मूव अराउंड व्हिच मेक्स द स्ट्रक्चर मोबाइल. ठीक है, अब उसको हीट तो कर रहे हैं, हीट करने से और ऑब्वियसली इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पार्टिकल जो है वो मूव करने लगेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी होती है कि वो मूव करते हैं और वो स्ट्रक्चर को मोबाइल कर देते हैं, मतलब कि जो शेप है उसका वो चेंज कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि एक मॉलिक्यूल है वो दूर जा रहा है तो उसका जो शेप है वो चेंज होने लगता है.
ये हम बात कर रहे हैं फ्लूडिटी की, जो कि लिक्विड में होता है. लिक्विड में कि क्यों उसका जो शेप जो है वो चेंज हो जाता है. दिस मीन्स दैट द लिक्विड इज नॉट डेफिनेट इन शेप बट रादर कन्फर्म्स टू द शेप ऑफ इट्स कंटेनर. इसीलिए उसका जो शेप जो है वो फिक्स नहीं रहता है और वो जिस भी कंटेनर में आप उसको रखते हो उस कंटेनर की शेप में आ जाता है. इट्स वॉल्यूम इज यूजुअली ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड. उसका जो वॉल्यूम है वो यूजुअली ज़्यादा होता है किससे, उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉलिड है उससे. ठीक है, मान लीजिए आइस और पानी की बात करें, आइस एंड वाटर की बात करें, तो आइस एंड वाटर के केस में आप देखेंगे कि वाटर के केस में तो एक्चुअल में एक एक्सेप्शन है. किसी और केस में देख लेते हैं जिसमें सॉलिड और उसके जो लिक्विड या उसकी गैस फॉर्म जो है, तो लिक्विड या गैस फॉर्म में उसका वॉल्यूम जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा और उसी को ही अगर आप कंप्रेस करेंगे, उसको ही अगर आप सॉलिडिफाई करेंगे, तो वो सॉलिड जो है उसका वॉल्यूम जो है वो कम होगा. एक्चुअल में वाटर के केस में एक एक्सेप्शन आ जाता है और वो भी हम पढ़ेंगे. वो उसके केस में क्यों, क्योंकि उसका उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं. The highest temperature at which a particular liquid can exist is called its critical temperature. Critical temperature क्या होता है, वो temperature, highest temperature जिसमें एक liquid जो है वो liquid रह पाता है. ठीक है, वो उसकी state जो है वो change नहीं होती है. The highest temperature at which a particular liquid can exist, ठीक है, उस temperature पे वो exist कर पाता है और वो highest temperature, ठीक है, उसको टेम्परेचर राइज करते रहेंगे और अगर वो नहीं स्टेट चेंज कर रहा है तो उसका जो मैक्सिमम जो पीक जो पॉइंट है जहाँ तक वो टेम्परेचर को झेल पाएगा और लिक्विड रह पाएगा, दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर. अ लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड टू गैस थ्रू हीटिंग एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर टू द सब्सटेंस बॉइलिंग पॉइंट और थ्रू रिडक्शन ऑफ प्रेशर एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, और लिक्विड जो है उसको आप गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे, या तो उसको एक कांस्टेंट प्रेशर पे आप उसको हीट कीजिए. कांस्टेंट प्रेशर मतलब कि प्रेशर मत दीजिए उसमें, प्रेशर अप्लाई मत कीजिए और उसको हीट कीजिए. और टू द सब्सटेंस बॉइलिंग, वो अब लिक्विड नहीं रहेगा, वो लिक्विड की बजाय अगर प्रेशर आपने सेम रखा है, ठीक है, प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर प्रेशर सेम रखा है तो वो लिक्विड से और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो वो नहीं चेंज होगा. और दूसरा मेथड क्या है, और थ्रू रिडक्शन ऑफ प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दो, टेम्परेचर मत बढ़ाओ और प्रेशर कम कर दो. ठीक है, तो क्या होता है, प्रेशर जब किसी चीज पे लगाते हैं तो मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं, तो प्रेशर मत लगाओ. प्रेशर अगर हटा देंगे उसके ऊपर, जितना प्रेशर जो भी लग रहा है वो उसको हटा देंगे, तो वो ऑटोमेटिक क्या चले जाएगा, वो गैस फॉर्म में बदलने लगेगा, क्योंकि प्रेशर से वो पास पास आए हुए हैं पर वो पास नहीं रहना चाहते हैं. जैसे प्रेशर हटाएंगे तो वो दूर हो जाएंगे, तो दूर हो गए इसका मतलब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है कि प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखें और टेम्परेचर को बढ़ाएं, या टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और प्रेशर को घटाएं. ठीक है, तो ये केस है कैसे आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन. जब लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन. नाउ गैस मॉलिक्यूल्स हैव आइदर वेरी वीक बॉन्ड्स और नो बॉन्ड्स एट ऑल, सो दे कैन मूव फ्रीली एंड क्विकली. ठीक है, अब गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं या तो उनके अंदर बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं या कोई बॉन्ड नहीं होते हैं, और इसीलिए वो आराम से घूमते रहते हैं. Because of this, not only will a gas conform to the shape of its container, it will also expand to completely fill the container. ठीक है, और इसी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ जिस भी कंटेनर में, जिस भी किसी भी चीज़ में जिसमें आप उसको होल्ड कर रहे हैं, जिसमें आपने उसको गैस को रखा है, ठीक है, उसके कंटेनर के सिर्फ और सिर्फ वो शेप नहीं ले लेते हैं, वो उसके कंटेनर में पूरे स्कैटर हो जाते हैं, पूरा फैल जाता है कंटेनर में.
Gas molecules have enough kinetic energy that the effect of intermolecular forces is small and they are spaced very far apart from each other. ठीक है, ये पॉइंट पढ़ रहे हैं. The typical distance between neighboring molecules is much greater than the size of the molecules themselves. ठीक है, अब गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, वो उनके अंदर काफ़ी काइनेटिक एनर्जी होती है. काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब है वो ज़्यादा मूवमेंट करेंगे. ज़्यादा मूवमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके आपस में, क्योंकि काफ़ी दूर हैं और काफ़ी मूव भी कर रहे हैं, इसीलिए उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होगा और ज़ीरो होगा. ठीक है, या तो बहुत ही कम होगा या फिर ज़ीरो होगा. किस केस में, कोई आइडियल गैस है तो. ठीक है, जो कि मतलब रिएक्ट नहीं करना चाहती है, आइडियल है, वो अपने आप में खुश है, जैसे कि हीलियम, नियॉन, दीज काइंड ऑफ गैसेस. तो इन गैसेस के केस में क्या होगा कि वो एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल से रिएक्ट नहीं करना चाहेगा, तो रिएक्ट नहीं करना चाहेगा तो बिल्कुल बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करेगा, किसी तरीके का अट्रैक्शन वो रखने की कोशिश नहीं करेगा. और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है इसलिए वो मूव करेगा दूर दूर. दे आर स्पेस्ड वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर और ऑब्वियसली उनके बीच में बहुत सारा गैप होता है. द टिपिकल डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स themselves. ठीक है, और वो जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मॉलिक्यूल्स का जो खुद का साइज है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का साइज आपको पता होता है कितना छोटा होता है. ठीक है, एक कोई एटम है उसका साइज जो है वो कितना छोटा होता है, 10^-19, बहुत ही छोटा साइज होता है. और उनके बीच का जो गैप होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का गैप, तो वो एटम के साइज से बहुत ज़्यादा होता है. इसीलिए, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा होता है तो मतलब कि आधा एक किलोमीटर की बात कर रहे हैं. ठीक है, वो आता तो होता तो वो भी बहुत ही कम है, छोटा है और माइक्रोस्कोपिक लेवल ही होता है. लेकिन जो साइज ऑफ एटम है, उस साइज ऑफ एटम से जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. A gas at a temperature below its critical temperature can also be called vapor. ठीक है, तो जो गैस जो है अगर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है, और किसी भी गैस का टेम्परेचर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से उसका कम है तो वो उसको आप वेपर कहला सकते हैं, उसको वेपर आप कहेंगे. वेपर कैन बी लिक्विफाइड थ्रू कंप्रेशन विदाउट कूलिंग. और वेपर्स को आप अगेन, जैसे कि आपको बताया था अभी, जैसे कि अभी टेम्परेचर हम बढ़ा रहे थे तो लिक्विड जा रहा था गैस में, राइट. टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा था, तो टेम्परेचर घटाने से गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, वेपर कैन बी लिक्विफाइड टू कंप्रेशन विदाउट कूलिंग. ठीक है, या फिर प्रेशर जब हम बढ़ा रहे थे, प्रेशर जब घटा रहे थे तो लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा था, तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, यही बात वो कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेते हैं तो प्रेशर को बढ़ाने से, प्रेशर जब आप बढ़ाएंगे और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रख लिया, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है. इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद अ लिक्विड और सॉलिड, इन विच केस the gas pressure equals the vapor pressure of the liquid or solid. ठीक है, तो अब वो equilibrium में भी रह सकता है. equilibrium मतलब कि without applying any force. ठीक है, जब उसका net force जो रहेगा वो zero रहेगा. equilibrium मतलब कि वो किसी और को परेशान नहीं कर रहा है, वो अपना जो है जैसा है stable है. तो वो रह सकते हैं, कोई भी गैस जो है वो किसी लिक्विड या सॉलिड के साथ में equilibrium में भी रह सकता है. लेकिन किस केस में, जिस केस में गैस प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा लिक्विड के या सॉलिड के. ठीक है, वो लिक्विड या सॉलिड के जो वेपर प्रेशर है, जो कि लिक्विड या सॉलिड जो है वो गैस के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स अगर गैस जो है वो उनके ऊपर लगाएगी, उतना ही प्रेशर जो है वो गैस अगर उनके मॉलिक्यूल सॉलिड या लिक्विड के पार्टिकल्स पर लगाएगी तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. Alright, student, this is the end of this chapter. A supercritical fluid, SCF, ठीक है, supercritical fluid, जिसको short form में बोलते हैं SCF, is a gas whose temperature and pressure are greater than the critical temperature and critical pressure.
ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा उसका टेम्परेचर है, क्रिटिकल प्रेशर से उसका ज़्यादा उसका प्रेशर है, तो वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहलाएगा. इन दिस स्टेट द डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड गैस डिसअपीयर्स. और इस केस में गैस और लिक्विड में और पता नहीं लगा पाएंगे. अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हैज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस बट इट्स हाई डेंसिटी लेंड्स इट टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्वेंट इन सम केसेस. ठीक है, और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के अंदर क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको गैस जैसे ही मिलेंगी लेकिन उसकी डेंसिटी हाई होगी और इसकी वजह से वो प्रॉपर्टीज किसी सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट जिसके अंदर आप कोई चीज डिसॉल्व कर सको, ठीक है, इन सम केसेस, और वो कुछ केसेस में उसका भी काम करेगा. दिस कैन बी यूजफुल इन सेवरल एप्लीकेशन और ये बहुत जगहों पर काम में भी आता है. फॉर एग्जाम्पल, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू एक्सट्रैक्ट कैफीन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डी कैफिनेटेड कॉफी. ठीक है, और एक एग्जाम्पल कहाँ पर ये काम में आता है, SCF सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, वो आता है सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है वो काम में आएगा कैफीन निकालने के लिए, किसके में से, कॉफ़ी के अंदर से. तो डीकैफिनेटेड जो कॉफीन होता है, डीकैफिनेटेड मतलब उसके अंदर से कैफीन जो है वो निकाला गया. ठीक है, तो उसके अंदर कैफीन निकालने का जो काम जो है उसमें मदद करता है ये सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक, सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, मैटर इन सराउंडिंग. Right, students, and also it is a time, so I would want you to go through these notes. I'll be sharing these notes on the classroom. ठीक है, तो वहाँ पर आप ये notes एक बार फिर से पढ़ेंगे. If you have any query, if you have any doubts, so please do let me know and I'll try and solve your problems right away. Also, the attendance to these classes is mandatory, so you need to attend these classes regularly so that we will be able to complete the course, complete the syllabus in time. If you'll miss the classes, then there's high chance that you will be missing out these chapters, because we are planning to speed up the course as we need to complete the course during the lockdown period. Alright, that is all from my side. You stay safe and stay indoors. Take care. Keep studying. Keep learning. Take care. Bye-bye.